ये इल्म के मैदान में भी मुसलमानों ने झंडे गाड़े हैं, तरह तरह के आविष्कार किए हैं। अगर बात की जाए मुसलमानों के आविष्कारों की, अल जहरवी जिन्होंने सर्जरी में बनाने वाले औजारों का इजाद किया था। अल बरनी वो पहले शख्स थे जिन्होंने दुनिया को मापने का कायदा दिया था, यानी फॉर्मूला दिया था। ताबिद इब्ने कुर्रा वो पहले मुसलमान जिन्होंने स्टैटिक का इजाद किया था। दुनिया का पहला कैमरा भी एक मुसलमान ने इजाद किया था जिनका नाम है इब्ने अल हयातम। अब्बास इब्ने फिरनास वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने हवा में उड़ान भरी थी। इब्ने बतूता जिन्होंने रियाला नाम की किताब लिखी थी जो आज के ऐतिहासिक कारों के लिए कोई खजाने से कम नहीं। फातिमा अल फेरी वो पहली मुसलमान खातून जिन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई थी। मोहम्मद अल इदरिस वो पहले मुसलमान जिन्होंने नक्शे का इजाद किया था। हारून अल राशिद वो पहले मुसलमान जिन्होंने हॉस्पिटल को इजाद किया था। और इतना ही नहीं, मोहम्मद इब्ने मूसा अल कवारिज जिन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है, ये पहले मुसलमान है जिन्होंने अलजेब्रा की डिस्कवरी की थी जिसे आज हम स्कूल में पढ़ते थे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप विकिपीडिया करके देख सकते हो। अफसोस इस बात का है कि आज मुसलमान इल्म से पीछे है। मुसलमान गैरों के तरीके अपना रहे हैं और हम हमारे दीन से पीछे जा रहे हैं। अल्लाह हमें और आपको हुजूर की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिए।